दोस्तों, स्वागत है आपका SS नोट स्टडी पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि जुलाई माह 2020 का बेरोजगारी भत्ते का बिल कब तक पास होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल साथ जानकारी बताऊंगा कि आपका जुलाई माह का बेरोजगारी भत्ते का बिल वो कब पास होगा और इसके बाद आपका बेरोजगारी भत्ता तो कब से आना शुरू होगा। तो इन सब की आपको पूरी डिटेल साथ जानकारी बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को ऑन जरूर करना ताकि आपको बेरोजगारी भत्ते से रिलेटेड जितने भी नई नई जानकारी समय पर और सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध कराई जाएगी। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम तो अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप बेरोजगारी भत्ते से रिलेटेड जो भी जानकारी पाना चाहते हो हमें तो कमेंट ज़रूर करना इंस्टाग्राम पर, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आपको इंस्टाग्राम की लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी और हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन के अंदर तो इंस्टाग्राम की लिंक वहाँ पर डाल दी गई, आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों, बात करते हैं बेरोजगारी भत्ता जुलाई का तो बिल कब पास होगा। तो दोस्तों, बेरोजगारी भत्ते जुलाई का बिल आपका 15 सितंबर से पहले पहले आपका बेरोजगारी भत्ते का बिल पास हो गया। तो दोस्तों, तो बहुत सारे तो डिस्ट्रिक्ट लमसम तो 1 से 2 डिस्ट्रिक्ट जुलाई माह का बिल तो पास तो हो भी गया, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर बेरोजगारी भत्ता जो भी अलग अलग वो डिस्ट्रिक्ट है उन डिस्ट्रिक्ट से अलग वहाँ पर बेरोजगारी भत्ता तो आ रहा है। जैसे कि कुछ डिस्ट्रिक्ट का बेरोजगारी भत्ता लॉकडाउन के बाद बिल्कुल ही तो बिगड़ गया, जैसे कि तो 1 या 2 मंथ से लेट आ रहा है, लेकिन कुछ जिलों का बेरोजगारी भत्ता टाइम टू टाइम आ रहा है, इसीलिए वहाँ पर बेरोजगारी भत्ते का बिल जल्दी पास तो हो सके। उदाहरण के लिए भरतपुर का बेरोजगारी भत्ते का बिल पास हो चुका है। तो दोस्तों, फाइनली आपका 15 सितंबर तक आपका बेरोजगारी भत्ते का बिल पास हो जाएगा। इसके बाद आपका तो 25 सितंबर तक आपका बेरोजगारी भत्ता आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपकी पूरी डिटेल से जानकारी मिल गई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।